जी मैं बिना आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया वुमेन्स बिजनेस ग्रुप, और मैं सारी आपकी बातें सुनी तो मैं सबसे पहले एक पॉलिसी आपके सामने रखता हूँ जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ, पहले बिजनेस कम्युनिटी और फिर उसके बाद आपके ऊपर जो कि वुमेन्स बिजनेस ग्रुप है जो खातिन बिजनेस करना चाहती है उनकी बात करें। लेकिन सबसे पहले अगर हमारा मेन एम पाकिस्तान में गुर्बत कम करना है तो याद रखें कि ये सबसे बड़ा एम इसलिए होना चाहिए क्योंकि आधी हमारी बारी गुर्बत की नकीब के करीब या उससे नीचे। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर एक गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट का काम यह है कि मैं गुर्बत कैसे खत्म करूं। लोग सारे लोग आवाम की बात करते हैं इलेक्शन में आने से पहले, लेकिन फिर कोई आवाम भूल जाती है और एक छोटा सा एक एलीट छोटा सा ग्रुप वो प्रॉस्पर करता है और आम लोग उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे चली जाती है। तो मैं सोचता हूं अगर हमने बिजनेस को प्रमोट करना है तो उसकी वजह यह है कि जब बिजनेस प्रमोट होती है नौकरियां मिलती है लोगों को, नौकरियां मिलती हैं और खुशहाली आती है, गुर्बत कम होती है, बाइंग पावर बढ़ जाती है, बाइंग पावर बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट आती है उस मुल्क में। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है इस वक्त चाइना। चाइना ने वो काम किया जो दुनिया की तारीख में किसी भी मुल्क ने नहीं किया। 30 सालों में चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, ये कभी दुनिया में नहीं हुआ। तो हमारा जो चैलेंज है वो ये कि हमने 10 करोड़ लोगों को कैसे अगले 10 साल में गुर्बत से, उनको अपने ऊपर कैसे लेके आ। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा गुर्बत है वो है देहात में, और देहात में गुर्बत ये है कि जो 70% हमारी आबादी देहात में है वहां जैसे जैसे किसानों के हालात बुरे होते हैं, उनके पास कम बाइंग पावर होती है, देहात में गुर्बत बढ़ती जाती है। तो इसलिए चाइना का एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है, उन्होंने देहात में कैसे लोगों को गुर्बत से निकाला, वो सारे स्टेप्स वो एक तरफ है, और दूसरा उन्होंने कैसे प्रमोट किया अपनी बिजनेस। तो देखिए बिजनेस के लिए सबसे पहले अगर हमने भी पाकिस्तान में बिजनेस प्रमोट कर लिया तो टर्म यूज होती है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जब आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करते हैं लोगों के लिए तो बिजनेस कंपेटिटिव हो जाती है। आज अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर रही है और बांग्लादेश से भी नीचे चले गए हमारी एक्सपोर्ट्स, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सारे बड़े स्ट्रीम में सबसे ऊपर चला गया, लिहाजा हमारी एक्सपोर्ट की कंपेटिटिवनेस गिर गई है। वो क्यों ऊपर गया? क्योंकि दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आप चीजें प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिजली और गैस इकट्ठा करने के लिए वो की नहीं है, इसलिए हमें डायरेक्ट टैक्स लगा देते हैं। वो सबसे आसान चीज है कि चीजें महंगी कर दो, और दो सबसे ज्यादा चीजें जिनसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है वो है बिजली और गैस। लेकिन जब आप महंगी करते हैं तो एक्सपोर्ट गिर जाती है, उसे बेरोजगारी बढ़ रही है। लिहाजा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे ले गया, उससे गवर्नेंस सिस्टम ठीक करें, एफडीआर की रिफॉर्म्स करें। एफडीआर की रिफॉर्म्स सबसे ज्यादा जरूरी है, एफडीआर को एक इदारा बना जाए, ऑटोनोमस इदारा काम करे, सारे जो टैक्सेस दिए जाए वो जिन लोगों के पास अथॉरिटी है पैसा देने की वो दे टैक्सेस, सारा आवाम से टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से ना इकट्ठा किया जाए, और वो सारा इसको एक वर्ड आता है गवर्नेंस। जो गवर्नेंस सिस्टम इंप्रूव करते हैं उससे सारे मजबूत हो जाते हैं, जिसमें एफबीआर भी एक अदारा है जिसमें मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का ठीक करने के लिए पुलिस एक अदारा है, जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है उसके लिए रिफॉर्म चाहिए कि हमारी जो अथी है वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करे। ये सारी चीजें इन्वेस्टर को इंकरेज करती है।
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे लेके आता है। तो ये तो मैं ओवरऑल आपको कह रहा हूँ कि अगर हमने मुल्क में गुर्बत कम करनी है तो हमें बिजनेसेस की मदद करनी पड़ेगी और इन्वेस्टर्स की मदद करनी पड़ेगी। आपने मेरी मिलाई ने भी कहा कि वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, वन विंडो ऑपरेशन इन्वेस्टर्स के लिए होना चाहिए, जनरली इन्वेस्टर्स के लिए। जिस तरह तुर्की ने अर्दोगान ने कहा जब उन्होंने तुर्की की इकोनॉमिक रिवाइवल शुरू की तो इन्वेस्टर्स को स्पेशल सर्विसेज देते थे ताकि उनको मसले ना हो। जितनी उनकी रुकावटें कम होती गई इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई, रोजगार मिलता गया, खुशहाली आती गई। और जब एक दफा रोजगार बढ़ता है, लोगों के पास बाइंग पावर आती है, तो वो जब चीजें खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट भी उधर आता है, तो ये साइकिल शुरू हो जाता है जिससे एक मुल्क खुशहाल होता है। अब आगे स्पेसिफिकली बात नहीं करें, एक और एक्सप्रेशन है जिसको कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी। माशरा को आगे बढ़ता है जो माशरा इंसानों को अपॉर्चुनिटी देता है ऊपर आने के लिए। जो माशरे के अंदर एक मेरिट बेस्ड सिस्टम होता है वो हमेशा दुनिया की तारीख आप देखते हैं कि जो सिस्टम एशिया में बेस्ट सिविल सर्विस मानी जाती है, जितने बड़े बड़े पाकिस्तान के प्रोजेक्ट जो 60s में और जो डेवलपमेंट हुई डेकेड ऑफ बाकी डेवलपमेंट थी उसमें हमारी सिविल सर्विस के जरिए उसमें डेमोक्रेसी बनी थी। तो जो सिविल सर्विस थी पाकिस्तान की वो बड़े कंपेटिटिव एग्जाम से आती थी, उसमें मेरिट थी, बेहतरीन सिविल सर्वेंट थे, गवर्नेंस सिस्टम बेहतर थी, पाकिस्तान सबसे तेजी से बड़े सभी में डेवलप कर रहा था। हमने जब अपनी सिविल सर्विस तबाह की और फिर मेरिट सिस्टम खत्म हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता आज ये है कि बांग्लादेश जो एक बात के लोग कहते थे हमारे पे बोझ है इस पाकिस्तान, आज बांग्लादेश पाकिस्तान से आ गई। तो लिहाजा गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर करके हम ऊपर जाएंगे। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज आती है मीनिंग कि जो भी इस मुल्क का टैलेंट है उसको ऊपर आने की मौका मिले, इसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। जिस सिस्टम में बेहतरीन इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो आगे निकल जाता है। मैं आपको एक क्रिकेट की मिसाल देता हूं, पाकिस्तान की आबादी है 20 करोड़, ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 2.5 करोड़। ऑस्ट्रेलिया को संसद दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम है। ऑस्ट्रेलिया के जो एथलीट्स हैं वो ओलंपिक्स में तीसरे चौथे नंबर पे आ जाते हैं। पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी है और 20 करोड़ आबादी का ये हाल है कि हम ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी नहीं करते हैं। एक भी हमारा एथलीट नहीं गया, जो ओलंपिक्स में गए वो हमारे सारे ऑफिशियल्स गए, कोई एथलीट नहीं गया। और क्रिकेट में हमारी 20 करोड़ आबादी है और वो 2.5 करोड़ से डोमिनेट करते थे दुनिया क्रिकेट। वजह क्या है? ये नहीं वजह कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क जिधर दो हमारे स्क्वॉश चैंपियन 10-10 साल दुनिया को डोमिनेट किया हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया की एक शहर में सारे पाकिस्तान से ज्यादा स्क्वॉश कोर्ट्स हैं। फिर भी इतना टैलेंट था कि दो जहांगीर और जानशेर खान डोमिनेट किया दुनिया में। हॉकी टीम पाकिस्तान के पर डोमिनेट करती है, क्रिकेट टीम ये समझे कि ऑस्ट्रेलिया की एक शहर में पाकिस्तान से ज्यादा क्रिकेट ग्राउंड है, एक शहर में। तो आपकी आबादी ज्यादा भी हो उसके खेलने के लिए तो ग्राउंड ही चाहिए ना, तो जब सिस्टम ही नहीं है तो आबादी का क्या फायदा। लिहाजा उनका जो सिस्टम है, क्योंकि मैं खेला हूं ऑस्ट्रेलिया में, वो टैलेंट को ऊपर लेके आता है, मेरिट बेस्ड सिस्टम है। हमारे मुल्क में मेरिट ऊपर आ ही नहीं सकती क्योंकि सिस्टम मेरिट को किल करता है। तो एक तो याद रखें कि एक हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो माशरा है वो डीजेनरेट करके एलिटिस सिस्टम के लिए, थोड़ी सी एलिट के लिए बन गया पाकिस्तान। तालीम है तो वो भी सिर्फ 8 लाख इंग्लिश मीडियम बच्चे जाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, सिर्फ 8 लाख बच्चे जाते हैं। आप सोचिए कि 20 करोड़ की आबादी में से इंग्लिश मीडियम एजुकेशन 8 लाख बच्चों को मिलता है, 24 लाख बच्चे दीदी मदरसों में जाते हैं जिनको एजुकेशन ऐसा मिलता है कि वो ना डॉक्टर इंजीनियर जनरल बन ही नहीं सकते, ऊपर ही नहीं आ सकते। उर्दू मीडियम है हमारा, ऊपर ही नहीं आने देते।
मेजोरिटी हमारा टैलेंट है वो ऊपर ही नहीं आ सकता सिस्टम सिर्फ छोटे से एलीट के लिए क्वालिटी एजुकेशन है बाकी के लिए और हायर एजुकेशन का उससे भी बड़ा हाल है तो अगर आपको ऊपर जाना है मास्टर में तो पहले तो एक्सक्लूड कर लेता मास्टर फिर जो हमारी इनइक्वालिटी है अमीर छोटा सा तबका बहुत अमीर है बाकी गरीब है 45% बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है पाकिस्तान में एक बीमारी है स्टंटेड ग्रोथ ना पूरे काम तक पहुंच कर ना उनका जेन पूरी तरह डेवलप होता है क्योंकि हम उनको न्यूट्रिशन पूरी भी देते हैं तो वो वैसे भी कम्पीट कर सकते हैं जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है वो वैसे मुकाबला नहीं कर सकते सोसाइटी में वो भी पीछे रहेगा तो जब तो एक चीज याद रखेंगे ये जो हमारा गोल है ना हम सबका गोल ये कि हमने गुर्बत कैसे कम करनी है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज का सिस्टम लेके आए हम अपने दीनी मदरसे के बच्चों को ऊपर लेके आए उर्दू मीडियम के बच्चों को ऊपर लेके आए बजाय कि ऊपर के लोगों का स्टैंडर्ड नीचे करे नीचे से स्टैंडर्ड ऊपर लेके आए ताकि उनको मौका मिले पाकिस्तान में तो सारा जो अब जितने भी हमारा कमजोर तबका है हमको मदद उनकी मदद करनी चाहिए ऊपर आने के लिए अब उसमें औरतें भी हैं हमें मदद करनी चाहिए उनको मौके मिले और जो आपने वेरी 10 पॉइंट्स दिए आपने ज्यादा थे उससे 15 पॉइंट्स चार में से करते थे वो चार ही बड़े अच्छे थे जो 15 पॉइंट्स है आपके आपकी कोशिश ये है कि औरतों को अपॉर्चुनिटीज मिले अपना पोटेंशियल पूरा करने के लिए ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि क्यों ना वो कंप्लीट करें और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो गुर्बत कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जिसमें हमारी साजिदा जुल्फकार जो है एमएलए है वो मुझे कहती रहती है कॉटेज इंडस्ट्री घर में बैठ के वादी गांव में बैठ के कॉटेज इंडस्ट्री से वो अपने आप को अपनी एम्पावर कर सकती है अपने आप उसके अलावा जो आप आई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये एक और ही लेवल है अब ऐसा अपॉर्चुनिटीज मिली है सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप करने के लिए घर पर बैठ के अगर आपको सही तालीम मिल जाए आपको हम कंप्यूटर से भी कर रहे हैं जो आप पख्तूनख्वा में कर रहे हैं हम स्पेशल कोर्सेज कर रहे हैं जिसमें जो भी ग्रेजुएट हो उनको स्पेशल कोर्सेज देते हैं वो खुद एम्प्लॉय हो सकते हैं इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुल गई लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कि हम सारे जो तबके हमारे हैं जिसमें खुवातीन है मजदूर है हमारे तबके जो हैंडीकैप्ट लोग हैं उनको हमें मौका देना चाहिए ऊपर आने का तो एक सिविलाइज सोसाइटी वो होती है सिविलाइज सोसाइटी वो होती है जो सिर्फ एक छोटे से अमीर तबके का ही सोच रही है वो सोचती है कि हमने नीचे से लोगों को ऊपर कैसे ले जाए और इसके लिए ना आप अपनी जो तारीख आपको सबको पता होना चाहिए कि इस्लाम की जो तारीख है वो शुरू हुई थी मदीना की रियासत और मदीना की रियासत दुनिया की तारीख की पहली रियासत थी जिसको आप वेलफेयर स्टेट कहते हैं भलाई रियासत कहते हैं स्टेट की जिम्मेदारी ली कि अपने कमजोर तबके को कैसे उठाए तो पहली दफा मजदूरों को काउंट किया गया कि कितने मजदूर हैं पहली दफा बेवाओं को काउंट किए क्या यतीमों को उन्होंने फिर स्टाइपेंड्स दिए थे स्टेट ने फिर गरीबों के लिए ज़कात शुरू की फिर आपको पता होना चाहिए कि पहली दफा किसी ने अपने बूढ़ों का ध्यान रखा था वो मदीना की रियासत में पेंशन शुरू की गई थी ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था पेंशन का पहले तो एक जो हमारी शुरुआत हुई थी हमारी सिविलाइजेशन की वो एक वेलफेयर स्टेट के ऊपर हुई थी और उस वेलफेयर स्टेट की वजह से सबसे ज्यादा दुनिया का सिविलाइज्ड माशरा था मुसलमानों का और वो माशरे में जो सबसे ज्यादा कमजोर इसके अलावा जो कि कमजोर तबके का ध्यान रखे उन्होंने एजुकेशन के ऊपर जोर दिया तालीम को एक सेक्रेट ड्यूटी बना दी सीकिंग नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिट टू द ग्रेव ये रिलीज थी तो उससे वो इन दो वजूहत से इंसानियत और तालीम के ऊपर जोर देके वो दुनिया की ग्रेट सिविलाइजेशन बने और उसका तीसरा पहलू था रूल ऑफ लॉ जो भी आपने बात की किसी ने पता नहीं है ना आपने किसी ने कि औरतों को
औरतों को प्रोटेक्शन चाहिए, औरतों के लिए जब वो काम करने जाती है उनको प्रोटेक्शन चाहिए। मैं ही आपको कह दूं कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम थोड़ा सा डिविएट हुए इससे। जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे अच्छी तरह याद है कि जितनी औरतों को इज्जत देता था हमारा माशरा, मैं जब इंग्लैंड गया यूनिवर्सिटी में, वहां औरतों को ऐसी इज्जत नहीं मिलती थी, यहां औरतों की बड़ी रिस्पेक्ट थी। और बदकिस्मती से थोड़ा सा मैं देखता हूं कि शहरों के अंदर ये चीज कम हुई है, ये हमें फिर रिवाइव करनी चाहिए, ये हमारे कल्चर की ट्रेडिशन है। इस कल्चर की ट्रेडिशन है कि औरतों को रिस्पेक्ट देना और उनको ट्रीट करते हैं। हम हमेशा, हम जब जिस पाकिस्तान में मैं बड़ा हुआ था उसमें हमेशा रिस्पेक्ट थी और लोग बड़ी शिवरली थी लोगों के अंदर, आप हमेशा पब्लिक प्लेसेस पे देखते थे। मैं फिर से कहता हूँ कि इस तरह की रिस्पेक्ट, जब मैं यहाँ से इंग्लैंड गया तो मुझे कल्चर शॉक था, एक कल्चर शॉक था, वहां ऐसी रिस्पेक्ट नहीं थी औरतों की। तो हमें फिर से वो रिवाइव करनी चाहिए और इसको एक माशरे के अंदर जो ये कहते हैं ना पॉलिटिकली करेक्ट कल्चर लाना चाहिए, फिर से रिवाइव करना चाहिए। हम अपनी डिग्निटी जो है अपनी बातें, तो इंशाल्लाह जो जो एक दो चीज है ना, एक तो एक माशरा रिस्पेक्ट देता है और दूसरा जो कानून है जो प्रोटेक्ट करते हैं कमजोर तबके को, जिसमें औरतों के लिए भी कानून है, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जो आप रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि कानून की हुक्मरानी, और कानून क्या नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि औरतों को जो राइट्स भी मिलते हैं मसलन इनहेरिटेंस राइट्स हैं औरतों, वो आप देहात में चले कोई देता नहीं औरतों को बेचारों को राइट्स, शहरों में नहीं देते कहीं जगह। तो जो उनको शरीयत भी देती है राइट्स वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते। और जो तालीम के ऊपर मुझे मैं सिर्फ आपको, क्योंकि हमारे यहाँ आए हुए हैं एजुकेशन मिनिस्टर पख्तूनख्वा के आतिफ खान, आप ये बता दें कि हम ये कर रहे हैं कि हर सौ स्कूल जो नए प्राइमरी स्कूल खुलते हैं पख्तूनख्वा में, आप हमारी पॉलिसी है कि 70% बच्चियों के लिए है, लड़कियों के लिए, ताकि उनको हम इंकरेज करें। और दूसरा जो कॉलेज खुलते हैं, हमने फैसला किया कि हर 3 कॉलेजेस में से जो नए खुलेंगे 2 औरतों के लिए कॉलेजेस खोलेंगे ताकि उनको इंपावर हो। तो ये सारी जो 15 पॉइंट्स की लिस्ट है वो हम सारे उसको अपना जो हम आपको खास आमदार इस फोरम की तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो आपने काम किया। और 25 करोड़ से ये भाई आपने शुरू किया फंड, उसके लिए भी आपको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। तो मैं इंशाल्लाह हमारा जो आप मैनिफेस्टो देखेंगे, अच्छा कि आपने भी पॉइंट्स दे दिए, हम अपने इलेक्शन का मैनिफेस्टो बना रहे हैं और इंशाल्लाह ये हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।